दोस्तों, एक बेलन का आयतन दिया है 924 घन सेमी तथा वक्र पृष्ठ 264 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा मतलब इस तरह के पाइप का, जो पाइप होता है, पाइप के आकार का बेलन, ऐसे आकार का मतलब कोई भी चीज़ बेलन कहलाता है। तो इसका बेलन का ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ऐसे पाइप का ऊंचाई या बेलन का ऊंचाई, पाइप ही बेलन होता है। और आर आयतन दे दिया है, टोटल मतलब इसका वॉल्यूम, और ए वाला पृष्ठ दे दिया है, इसका बाहरी पृष्ठ 264 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको ऊंचाई पूछ रहा है। यह कई पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में और बहुत सारे रेलवे के ग्रुप डी, एसएससी और इन सब में पूछे जाते हैं। तो इसको हम कैसे, इसका तो आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच आयतन का होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ का। अब इसमें दिया है 2 पाई आर एच बराबर 264 और पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924 दिया है। अब हम इसमें पाई आर स्क्वायर एच सेवा को 2 पाई आर एस से भाग देते हैं तो होगा 924 और बटा 264। यहाँ पे पाई से पाई कटेगा, आर से एक आर कटेगा, एस से एच कट जाएगा। आर अपॉन 2 924 बट्टा 264। फोर से कर रहे हैं तो चार छ के 24, 4 6 के 24 33 11 दूनी 22 के साथ आर की वैल्यू 7। अब हमको आर की वैल्यू 7 है तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 264 है तो 2 × 22 = 7 × 7 × 2 = 264 एच बराबर 264/2 × 22 बाईस, 91 22 22 × 44 2 × 6 = 12 हाइट 6 cm या 6 सेंटीमीटर।